हाय, दिस इज संजय। वेलकम यू ऑल इन माय बायोलॉजी ट्यूटोरियल्स। आज हम करेंगे पीएमसी की प्रैक्टिस टेस्ट नंबर 17। ठीक हो गया। और पहले भी हमने पेड टेस्ट किए, जिसने नहीं देखी वो जाके प्लेलिस्ट में देख सकता है, आई बटन में मैंने उसकी लिंक दे दी है। तो पहला क्वेश्चन है कि वेयर द हिट्रोजाइगस इज इनडिस्टिंग्विशेबल फ्रॉम वन ऑफ द होमोजाइगस एलील इन्वॉल्वड इज सेड टू बी एज। अगर वो इनडिस्टिंग्विशेबल होगा तो वो होगा डोमिनेंट में, जहाँ पे वो करेक्टर शो करेगा। द बॉन्ड स्पेसिफिसिटी ऑफ एन एंजाइम इज आल्सो डिपेंड अपॉन रिलेटिव स्पेसिफिसिटी, इट्स इजी वन। व्हाट टाइप ऑफ मॉलिक्यूल इज क्लोरोफिल, क्लोरोफिल एक ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल होता है। फोर नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग बैक्टीरिया थिक रिजिड एंड स्पायरल, स्पायरल है तो वो स्पायरिलियम होगा बैक्टीरिया। What percentage of protein is found in cell membrane? It is repeat one and the answer is 60-80%. Of the following, which one is not included in protostome? Protostome किसे कहते हैं, जिसके अंदर mouth पहले form होता है, और इनमें से कौन सा वो नहीं है? तो hemichordata के अंदर, hemichordata deuterostomes होते हैं। सेवन नंबर है एन इंक्रीज इन प्लांट ग्रेथ, प्लांट की ग्रेथ का मकसद है उसकी मोटापन। एक होती है प्लांट की ग्रोथ प्राइमरी, जो कि हाइट में ग्रो होती है, और एक ग्रोथ होती है इन द विर्थ, और ये जो प्लांट की विर्थ है इसको कहेंगे प्लांट ग्रेथ। ये आप थोड़ी सी तस्वीर देख लें, ये एक प्लांट की स्टेम है, सेकेंडरी ग्रोथ इन स्टेम्स। अब ये प्लांट की स्टेम की एनाटॉमी यहाँ पे दिखाई हुई है, जो आउटर मोस्ट लेयर है वो ब्लू कलर की एपिडर्मस है, और उसके नीचे आप देखेंगे कार्केम्बियम, एक डार्क ब्लैक कलर की लाइन दिख रही होगी, कार्केम्बियम। द कार्केम्बियम एड सेकेंडरी डर्मस टिश्यू लिखा हुआ है, और उसके बाद केम्बियम के नीचे एक कॉर्टेक्स लेयर है, और उसके नीचे जो है वो प्राइमरी एंड सेकेंडरी फ्लोएम है, और इन दोनों के बीच में जो लाइन है दैट इज वस्कुलर केम्बियम। और वस्कुलर केम्बियम क्या करते हैं, एड सेकेंडरी जाइलम एंड फ्लोएम। तो प्लांट के अंदर ये दोनों कार्क कैम्बियम और वस्कुलर कैम्बियम जो है वो प्ले रोल करते हैं। तो जो आप आएगा डी एंड बी। द ग्लाइसरोल आर कंसीडर्ड बैकबोन ऑफ, ग्लाइसरोल क्या है, एक फैट है, ट्राइग्लिसराइड का बैकबोन है। आप यहाँ पे तस्वीर भी देख सकते हैं, ये ग्लाइसरोल की है, तो ये ग्लाइसरोल है मॉलिक्यूल, और तीन फैटी एसिड मिलेंगे क्या बनाएंगे ट्राइग्लिसराइड। द अट्रैक्शन बिटवीन वाटर मॉलिक्यूल इज नोन एज, अब वाटर मॉलिक्यूल की अट्रैक्शन के लिए ये एक छोटी सी कार्टून की तस्वीर है, आप देखें अगर एक जैसे हैं तो उसमें कोहिजन होगा, अगर एक जैसे मॉलिक्यूल नहीं है तो उसे एडिशन कहेंगे। व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ एडिशन, द अट्रैक्शन बिटवीन टू डिसिमिलर मॉलिक्यूल इज नोन एज एडिशन, एंड द अट्रैक्शन बिटवीन टू सिमिलर मॉलिक्यूल इज नोन एज कोहिजन। तो वाटर मॉलिक्यूल एक जैसे होते हैं तो उसमें जवाब क्या आएगा, कोहिजन। टेन नंबर, विच टाइप टू रिएक्शन आर अकर ड्यूरिंग फोटो फास्फोरिलेशन, फोटो फास्फोरिलेशन के अंदर कौन से दो रिएक्शन होते हैं। अब ये फोटो फास्फोरिलेशन की एक इमेज है, जहाँ पे ये दिख रहा है कि किस तरह वाटर स्प्लिट हो रहा है, और इसके बाद किस तरह यहाँ पे एटीपी बन रहे हैं, एटीपी बनने के साथ एनएडीपीएच भी बन रहा है। तो ये दो स्टेप होते हैं, एटीपी भी और एनएडीपीएच। अगर अब इस तस्वीर को आपने समझ लिया तो अब आप इस क्वेश्चन को देखेंगे तो आपको जवाब आएगा कि एटीपी सिंथेसाइज्ड एंड एनएडीपी रिड्यूस होगा, क्योंकि एनएडीपीएच बनेगा तो वो रिड्यूस्ड फॉर्म में होता है, एनएडीपी रिड्यूस्ड होगा। रिफ्लेक्स एक्शन इन्वॉल्व टू आर मोर, एक ऐसे किस्म का रिफ्लेक्स एक्शन बोलते हैं, ऑटोमेटिक एक्शन को कहते हैं, जैसे कि पेनफुल ऑब्जेक्ट को आपका हाथ अगर लग जाए तो यू के टेक अवे योर हैंड इमीडिएटली विदाउट थिंकिंग, सो दैट इज रिफ्लेक्स एक्शन। एंड व्हेन यू सी अ स्पार्क लाइट ऑन योर फेस और आईज, द आईज बिकम्स क्लोज, दैट इज अ रिफ्लेक्स एक्शन। और इस किस्म के रिफ्लेक्स एक्शन में दो या दो से ज़्यादा इंटरन्यूरॉन आ जाए तो उसे पॉलीसिनेप्टिक रिफ्लेक्स कहते हैं, और एक होता है मोनोसिनेप्टिक, दूसरा है पॉलीसिनेप्टिक। नी जर्क इज एग्जाम्पल ऑफ पॉलीसिनेप्टिक, एंड विथड्रा ऑफ हैंड फ्राम पेनफुल ऑब्जेक्ट इज अ मोनोसिनेप्टिक। द सबस्टेंट कंसेंट्रेशन दैट प्रोड्यूस एग्जैक्टली हाफ ऑफ द मैक्सिमम रिएक्शन कैन बी डिस्क्राइब्ड बाय माइकल्स मेंटेन कांस्टेंट, ये टॉपिक एक्स्ट्रा है, अगर आपको समझ में नहीं आ रहा तो मेरी
मैंने इस पे एक वीडियो बनाया है एक स्टूडेंट की रिक्वेस्ट पे, तो आप जाके ये माइकस मेंटन कांस्टेंट वी मैक्स और के एम किस तरह बन रहा है वो समझ सकते हैं। द इमेज रिप्रेजेंटेड बाय कंपाउंड माइक्रोस्कोप इज रियल इज एंड इन्वर्टेड। द अरेंजमेंट ऑफ कोकी इज बेसिकली ड्यू टू अरेंजमेंट ऑफ कोकी क्यों होती है, प्लेन ऑफ डिवीजन की वजह से उनकी अरेंजमेंट होती है। 15 नंबर, हाउ कैन हेपेटाइटिस कैन बी कंट्रोल्ड, ये हाइजेनिक लाइफ भी जरूरी है, स्क्रीनिंग ऑफ डोनर, रूटीन वैक्सीनेशन, दैट इज डी नंबर। 16 का है, इफ वी कंसीडर हार्डी वन बर्गला, हार्डी वन बर्गला को अगर कंसीडर करते हैं तो उसमें कहा गया कि एवोल्यूशन नहीं होगी जब तक उसके अंदर माइग्रेशन ना हो, जिसके अंदर म्यूटेशन ना हो, एनवायरमेंटल इफेक्ट ना हो और उसके अंदर रेंडम मेटिंग ना हो, लेकिन यहाँ पे लिखा हुआ है नॉन रेंडम, तो ये इसकी पॉइंट नहीं है, इनकरेक्ट आंसर को हमें क्लिक करना है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट एंजाइम इज नॉट ट्रू, कौन सा स्टेटमेंट एंजाइम के हिसाब से गलत है, कि दे आर नॉन स्पेसिफिक इन नेचर, एंजाइम तो स्पेसिफिक नेचर होते हैं तो ये गलत है। द फंक्शन ऑफ ट्रोपोमाइसिन, ट्रोपोमाइसिन क्या कहते हैं, एक अपना मसल कंट्रेक्शन के दौरान ट्रोपोमाइसिन एक फिलामेंट होती है जो कि एक्टिन को बाइंड करके रखती है, और एक्टिन फिलामेंट के अंदर जो मायसिन बाइंडिंग एरिया होते हैं उसको हाइड करते हैं, टू प्रिवेंट एक्टिन एंड मायसिन फ्रॉम क्या करती हैं, उनको उसको प्रिवेंट करेंगे, उसको इंटरेक्ट से बचाएंगे, तो जवाब आएगा इंटरेक्टिंग, टू प्रिवेंट फ्रॉम इंटरेक्टिंग। चेंज इन फ्रीक्वेंसी ऑफ एलील एट अ लोकस दैट अकर बाय चांस, विच ऑफ द फॉलोइंग, अगर बाय चांस होगा तो उसे क्या कहेंगे, जेनेटिक ड्रिफ्ट, ये डेफिनेशन है जेनेटिक ड्रिफ्ट की। द नंबर ऑफ ऑटोसोम्स इन ह्यूमन स्पर्म इज, ऑटोसोम के अंदर नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स स्पर्म के अंदर 23 होते हैं और उसके अंदर एक क्रोमोसोम एक्स या वाई होगा, बाकी ऑटोसोम कितने होंगे, 22, दैट्स अ सिंपल वन। द आउटर पोर्शन ऑफ स्पाइनल इज, अब आउटर पोर्शन जो है वो उनका किस किस्म का होता है, वो वाइट कलर का होता है, अगर यहाँ पे सवाल आ जाए आउटर पोर्शन ब्रेन का तो वो ग्रे होता है आउटर। बायनोमियल नोमेनक्लेचर वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय करेलियस लेनियस, प्रीकार्डेट इज अनदर नेम फॉर हेमिकार्डेट और प्रोटोकार्डेट। ऑल डीएनए वायरस आर रेप्लिकेट इन द न्यूक्लियस एंड बट शो सम एक्सेप्शंस, ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर ट्रू फॉर प्लेटी एलिमेंट एक्सेप्ट दे आर सिलोमेट, प्लेटी एलिमेंट आर ए सिलोमेट, दे आर नॉट सिलोमेट, सो दैट इज एक्सेप्शनल पॉइंट। बैक्टीरियोफेज इज अ टेडपोल, कंपेयर टू ग्राम नेगेटिव एंड ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया हाउ मेनी मेम्ब्रेन्स आर प्रेजेंट टू ग्राम पॉजिटिव, ग्राम पॉजिटिव को तो एक भी ज्यादा नहीं होती है, लेकिन आप इसकी थोड़ी तस्वीर देख लें, ये ग्राम पॉजिटिव है ये ग्राम नेगेटिव है, अगर ग्राम पॉजिटिव के पास देखें तो दो लेयर हैं और ग्राम नेगेटिव के पास देखें तो 1, 2, 3 and 4 फोर लेयर्स हैं, तो ग्राम पॉजिटिव नेगेटिव के पास दो ज़्यादा है, लेकिन यहाँ पे सवाल था ग्राम पॉजिटिव के पास कितनी है तो वो जीरो है। व्हाट टाइप ऑफ बॉन्ड एग्जिबिट बिटवीन एंजाइम एंड इट्स प्रोस्थेटिक ग्रुप, वो है कोवेलेंट बॉन्ड। द एंड ऑफ मेंस्ट्रुएशन साइकिल इन ओल्ड एज इज नोन एज मेनोपॉज, ये बार बार सवाल पहले भी आता था 2017 और 2016 में आता था NTS में, अब आ रहा है या नहीं आ रहा है देखते हैं। 30 नंबर है, इन ह्यूमन बॉडी द ग्रुप ऑफ formed by neurons, group of neurons को क्या कहेंगे, ganglion। cut in gut in pseudocoelomate is made from which of the following, ये repeated है, इसका जवाब है endoderm, ये पहले भी हमने पेट टेस्ट में किया है। what is produced in muscles during extreme physical activity, उसके अंदर क्या होगा, lactic acid जमा होगा जो कि tiredness body में कराता है, जो फीलिंग टायर्डनेस की आती है वो लैक्टिक एसिड की वजह से, और ये लैक्टिक एसिड दोबारा जब लिवर में जाएंगे तो कन्वर्ट होंगे, उसको कहेंगे कोरी साइकिल। द स्प्रिंग ऑफ मेटिंग बिटवीन टू प्योर स्ट्रेन इज कॉल्ड, जब प्योर ब्रीडिंग को स्ट्रेन करेंगे तो उसे क्या कहेंगे, उसको ऑफ स्प्रिंग जब टू प्योर स्ट्रेन की टी कैपिटल और टी कैपिटल और क्रॉस करेंगे टू होमोजाइगस टी छोटी से, तो उसमें हाइब्रिड आएगा, ठीक हो गया। और 34 का है, विच ऑफ द फॉलोइंग लोब्स कंटेन ब्रोकोस एरिया, ब्रोकोस एरिया क्या है, ये ब्रेन के अंदर एरियाज है, ये हमारा फ्रंटल लोब, उसके बाद पैराइटल लोब, उसके बाद ओसीपिटल लोब और टेम्पोरल लोब, ब्रेन में जो फ्रंटल लोब है उसमें ब्रोकोस एरियाज है, ये काम करता है हाउ वी स्पीच,
जब हम किस तरह काम बोल रहे हैं उसके अंदर जो भी आर्गन काम कर रहे हैं, लिप्स, टंग, तो उसमें ब्रोंकस एरिया का रोल है, और वर्निक्स एरिया जो है वो हमारा लिसनिंग में काम देता है। तो ये कहाँ पर होता है? ये हमारा फ्रंटल लोब में होगा। फ्रंटल लोब में एसोसिएशन भी एरिया होता है, प्री मोटर एरिया भी होता है और मोटर एरिया भी होता है। एपोमैक्सिस मीन्स फॉर्मेशन इज अ काइंड ऑफ, किस किस्म की है? ये किस्म की है, ये पार्थिनोजेनेसिस की किस्म है, जिसके अंदर सीड फॉर्मेशन होगी विदाउट फर्टिलाइजेशन। द फ्यूरिन रिंग, फ्यूरिन रिंग किसे बोलते हैं? जिसके अंदर 5 कार्बन हो। ये तस्वीर आप देखें, इसमें 1, 2, 3, 4, 5 कार्बन होती हैं। ये राइबोज फ्यूरिनोज, ये डीऑक्सी राइबोज है, ये राइबोज वाली है, तो इसमें बोल रहे हैं कितने होंगे कार्बन, तो 5। तस्वीर देखने से ये है कि बच्चे को काफ़ी जल्दी से और इजीली समझ आ जाए और काफ़ी देर तक उसको याद रहता है। 37 है। एंड पर्सन सफरिंग फ्रॉम क्रोनिक ब्रोंकियोटिस एट द एज ऑफ 45 years, यूजली इट इज सीन इन द 45 years। द ब्रोंकी डिवाइड इन टू लंग्स इन टू द फाइन ब्रांचेज नोन एज ब्रोंक्यूल्स। एन एंजाइम इज सेड टू बी डीनेचर व्हेन द टेम्परेचर इज एक्सट्रीमली हाई। इफ एन एंजाइम कंसेंट्रेशन लो, देन सबस्ट्रेट पीएच एंड टेम्परेचर वैल्यू आर इक्वल टू द रिक्वायरमेंट, देन व्हाट विच ऑफ द फॉलोइंग विल इंक्रीज द, क्या चीज़ अगर अगर टेम्परेचर पीएच कांस्टेंट की जाए तो कौन सी चीज़ अगर इंक्रीज करेंगे तो इंक्रीज होगा रिएक्शन, दैट इज इंक्रीज इन द कंसेंट्रेशन ऑफ एंजाइम। कंसेंट्रेशन को इंक्रीज करेंगे तो रिएक्शन इंक्रीज होगा। ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर स्ट्रेस एलिमेंट, कौन सा नहीं है? सल्फर, क्योंकि जब हम प्रोटीन की डेफिनेशन पढ़ेंगे तो उसमें कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, समटाइम्स सल्फर एंड फॉस्फोरस, तो ये बाकी जो मुकाबले में है उनसे सल्फर ज़्यादा होता है। 42 का सवाल है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू अबाउट द कैप्सोमर। कैप्सोमर क्या होते हैं? ये प्रोटीन या पार्ट ऑफ वायरस के हैं, तो ये इट इज़ द इंडिविजुअल यूनिट ऑफ कैप्सिड। कैप्सिड के इंडिविजुअल यूनिट को कैप्सोमर कहते हैं। माइल्ड वीजिंग, फीवर, चिल एंड शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथिंग इज एन एग्जांपल ऑफ ब्रांकोटाइटिस। ब्रांकस ट्राइकस जब बीमारी होगी तो ये सिम्टम्स नजर आएंगे। वेयर डज द डिटॉक्सिफिकेशन हार्मफुल इज, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर होगा। एट जॉइंट द एक्सोस्केलेटन आर, जब ये सवाल लिया गया है आर्थ्रोपोड के अंदर, आर्थ्रोपोड के अंदर एक्सोस्केलेटन होता है, वहाँ पे जो आर्थ्रोपोड एक जॉइंटेड लेग्स होती है, जॉइंटेड लेग्स की पूछ रहा है कि उस जॉइंटेड लेग्स में एक्सोस्केलेटन किस तरह होती है, तो लाजमी बात है वो थिन होती है, सॉफ्ट होती है और फ्लेक्सिबल होती है ताकि वो मूव कर सके। तो इसका जवाब आएगा बी। 46 का है, इंटरस्टियल कंडीशन, द टाइप ऑफ फर्टिलाइजेशन इज मोर कॉमन। इंटरस्टियल में इंटरनल फर्टिलाइजेशन होती है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बेस्ट डिस्क्रिप्शन ऑफ बैक्टीरियोफेज। बैक्टीरियोफेज किसे कहेंगे? वो बैक्टीरिया वायरस जो बैक्टीरिया को किल करेगा उसको कहेंगे बैक्टीरियोफेज। ये ऑब्लिगेट इंट्रासेल्युलर पैरासाइट होता है। ठीक हो गया। विच ऑफ द फॉलोइंग ग्लैंड कंट्रीब्यूट टू द प्रोडक्शन ऑफ सेमेन, कौन से? ये सारे जो है ना सेमेन किसे कहते हैं? स्पर्म लेस सेल्युलर फ्लूड जो होता है जिसके अंदर न्यूट्रिशन होती है, अल्कलाइन सॉल्यूट होते हैं, वाटर क्वांटिटी होती है, तो ये सारे जो हैं ग्लैंड वो प्ले रोल करेंगे सेमेन बनाने में। विच ब्रेन पार्ट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ लॉन्ग टर्म मेमोरी, ये है हिप्पोकैम्पस। थैंक्स टू हिप्पोकैम्पस विच कन्वर्ट शॉर्ट टर्म मेमोरी इन टू लॉन्ग टर्म मेमोरी। जैसे अब आप मेरी ये वीडियो देख रहे हैं इसमें काफ़ी सवाल आपको आ भी रहे हैं, जो नहीं आ रहा वो आप समझ रहे हैं, वो क्या कर रहे हैं आप उस चीज़ को आप कन्वर्ट कर रहे हैं, शॉर्ट मेमोरी को लॉन्ग टर्म में कन्वर्ट करेंगे। लाइक वाचिंग अ मूवी, मूवी आपको सारी याद नहीं होगी लेकिन उसकी एम इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स आपको याद होते हैं, क्योंकि वो आपकी बॉडी मेमोरी जो है शॉर्ट टर्म मेमोरी कन्वर्ट हो जाती है लॉन्ग टर्म मेमोरी थैंक्स टू हिप्पोकैम्पस। 50 नंबर क्वेश्चन है, वेयर इन अ लीफ मेसोफिल सेल यू वुड फाइंड डीएनए मॉलिक्यूल। न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट के अंदर आपको ये इनके डीएनए मिल जाएंगे। नेट यील्ड ऑफ वाटर इन फोटोसिंथेसिस इज 0। अभी ये पूछेंगे आप क्यों, क्योंकि फोटोसिंथेसिस के अंदर वाटर जो बनेगा फिर वो फोटोसिंथेसिस के रिएक्टेंट में कंज्यूम हो जाएगा, अगर नेट उसका देखें तो वो सम हो जाएगा 0 के हिसाब से। पिजन, प्लेटिपस एंड पांडा आर ऑल ऑफ द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग, ये जो हैं भी वो होम्योथर्मिक का है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट, डिफरेंस बिटवीन शार्क एंड वेल, शार्क और वेल के बीच में क्या डिफरेंस है? ठीक है, शार्क हर्ड हैज ओनली 1 चैम्बर, वेयर इज वेल हर्ड हैज 2 चैम्बर्ड, ये इनका डिफरेंस है। देखें अगर आपको
कुछ और बताए तो आप कमेंट्स करें, अगर सारे सही बता देते हैं तो बच्चे कमेंट्स नहीं करते हैं, जानबूझ कर दो तीन गलत भी बताने पड़ते हैं ताकि बच्चे करें कमेंट्स करें और मुझे इंटरेस्ट पैदा हो। एग्जाम्पल ऑफ होमोलागस आर्गन इज रिप्रेजेंटेड बेस्ड विच ऑफ द फॉलोइंग, होमोलागस आर्गन कौन सा है, लेग ऑफ डॉग नहीं, रिंग ऑफ इंसेक्ट नहीं, ये तो होना लाजिए, आर्म ऑफ एंड रिंग ऑफ बर्ड इज एन एग्जाम्पल, ठीक है हो गया। अ की प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म इज दैट इट कंटेन डिश फॉर मेकिंग इट्स प्रोटीन, ये 55 का क्या होगा, 55 का हो गया राइबोसोम्स जो कि प्रोटीन बनाता है। इन सर्टन फ्लावर ब्लू पेटल फेनोटाइप इज डोमिनेट टू वाइट पेटल फेनोटाइप, इफ यू क्रॉस हेटरोजाइगस फ्लावर विद होमोजाइगस रिसेसिव व्हाट विल बी, जब भी हम हेटरोजाइगस को और होमोजाइगस रिसेसिव को क्रॉस करेंगे तो जवाब आएगा 50-50, ये आपने याद रखना है, जब भी हेटरोजाइगस को हम रिसेसिव से कराएंगे जवाब 50-50% आएगा। व्हाट टाइप ऑफ वायरस कंटेन द एंजाइम लाइसोसोम टू एड इन देयर इन्फेक्शन, कौन से वायरस है, वो है हमारे बैक्टीरियोफेज, 58 का है। व्हाट वुड बी द योर प्रेडिक्टिव वुड हैपन टू पेनक्रियाटिक एंजाइम दे वर इंट्रोड्यूस टू द स्टमक, वो स्टमक में जब हम उसको डालेंगे पेनक्रियाटिक के एंजाइम को तो वो काम नहीं करेंगे क्योंकि वहाँ पे पीएच इंक्रीज होगी, तो इसका पहले ही मेरे ख्याल में होगा देयर फंक्शन वुड बी डिक्रीज ड्यू टू इंक्रीज पीएच। व्हाट इज नॉट ट्रू अबाउट एंजाइम, एंजाइम के बारे में ट्रू कौन सा नहीं है, तो एंजाइम इज कम्प्लीटली कन्वर्टेड टू, कन्वर्ट नहीं होता वो कंज्यूम नहीं होता प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं होता, ये इसका ट्रू नहीं है। क्लोरोप्लास्ट हैज थ्री मेन कंपोनेंट, देयर दे आर इनवेलप स्टोमा एंड इसके अंदर क्या और दूसरी चीज होती है थिलिक्वाइड। द स्मॉलेस्ट बैक्टीरियम इज, सबसे छोटा क्या होता है, माइकोप्लाज्म। अच्छा ये बात भी याद रखनी है, माइकोप्लाज्म को सेल वाल नहीं होती, अब बैक्टीरिया विदाउट सेल वाल इज नोन एज माइकोप्लाज्म, ये याद रखना है आपको। 62 विच आर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट न्यूरॉन इज इनकरेक्ट, लाइक ऑल लिविंग सेल दे मैच्योर एंड डिवाइड टू फॉर्म सिमिलर सेल, तो ये इसकी गलत है क्योंकि न्यूरॉन जो है वो डिवाइड नहीं होते, मैच्योर होने के बाद डिवाइड नहीं होते, तो काफ़ी स्टूडेंट सवाल करेंगे कि न्यूरॉन अगर मैच्योर नहीं होते तो मैच्योर हो रहे हैं डिवाइड नहीं होते तो ब्रेन ट्यूमर कैसे बनता है, तो न्यूरॉन के साथ जो न्यूरोगलिया सेल्स होते हैं जो उनके इनको सेपरेट कर रहे हैं वो ब्रेन ट्यूमर काज करते हैं। व्हाट हैपन इन अ कॉन्ट्रैक्टाइल मसल फाइबर, कॉन्ट्रैक्टाइल फाइबर के अंदर क्या होगा, क्या होगा, एम लाइन इज वेनिश, एम लाइन वेनिश हो जाएगी या ए बैंड वेनिश, एच जोन इज इलॉन्गेटेड, आई बैंड इज स्टेडी, तो जब हम मसल फाइबर कंट्रैक्ट होते हैं तो एम लाइन क्या हो जाएगी, वेनिश हो जाएगी या ए बैंड वेनिश हो जाएगा, ए बैंड भी कोई चेंज नहीं आएगा, एच जोन इलॉन्गेट्स नहीं, इलॉन्गेट्स नहीं होता है एम लाइन, तो मेरे ख्याल में इसको अगर हम कर दें एम लाइन को तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म इज बेस्ट डिस्क्राइब एज अ मैच्योर मोटाइल एंड हैप्लॉइड स्पर्म ड्यूरिंग स्पर्मेटोजेनेसिस, स्पर्मेटोजेनेसिस बोलते हैं फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म्स को, तो सबसे पहले स्पर्मेटोगोनिया आएगा, उसके बाद स्पर्मेटोगोनिया में प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बनेंगे, सेकेंडरी स्पर्मोसाइट बनेंगे, उसके बाद स्पर्मेटेड बनेंगे, लास्ट में जाके वो स्पर्म्स मैच्योर होंगे, तो 64 का क्या होगा, तो स्पर्मेटोजोआ जो है वो मैच्योर हो जाएगा तो उसे स्पर्मेटोजोआ कहेंगे। द प्रोसेस दैट डज नॉट अकर ड्यूरिंग एक्सपायरेशन, एक्सपायरेशन के अंदर क्या होगा, लंग्स आर रिलैक्स्ड, इंटरकोस्टल मसल्स आर रिलैक्स होते हैं, मसल्स ऑफ डायफ्राम आर रिलैक्स्ड, रिब्स आर रिलैक्स्ड, लेकिन लंग्स रिलैक्स वो क्योंकि वो ऐसा ऐसा अंदर जा रहे हैं तो ये लिहाजा लंग्स आर रिलैक्स्ड, ये चीज नहीं होती, नॉट अकर ड्यूरिंग। विजिबल लाइट यूज इन फोटोसिंथेसिस, विजिबल लाइट जो फोटोसिंथेसिस में होती है उसकी वेवलेंथ क्या होगी, 382-750 नैनोमीटर। लास्ट टू क्वेश्चन, द प्रॉपर्टी ऑफ वाटर ड्यू टू विच वर्क इज टेम्परेचर स्टेबलाइजेशन, कौन सी प्रॉपर्टी है जिससे ये टेम्परेचर इन्वायरमेंट के अंदर जो वो मेंटेन है, वो है हाई स्पेसिटी हीट कैपेसिटी। कार्बोनिक एनहाइड्रेस ये एक एंजाइम है जो कि RBCs के अंदर पाया जाता है, वो क्या करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड को ट्रांसपोर्ट करने में काम करते हैं, तो इसमें RBCs किया गया है। थैंक यू वेरी मच, लाइक कमेंट शेयर एंड सी यू टुमारो।